चंबल में अवैध हथियार साफ करते महिला का वीडियो वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के चंबल क्षेत्र से एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने पूरे पुलिस विभाग को हिला दिया है। इस वीडियो में एक महिला को अवैध हथियारों को पानी में सर्फ डालकर ब्रश से साफ करते हुए देखा जा सकता है। महिला के पास बैठा एक युवक इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रहा था। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए संबंधित घर पर छापा मारा और वहां से अवैध हथियार और उन्हें बनाने के औजार बरामद किए। यह घटना मुरैना जिले के महुआ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव की है, जहां बिहारी लाल सकपार के घर का यह वीडियो वायरल हुआ। चंबल क्षेत्र जो पहले से ही अवैध हथियारों के निर्माण के लिए कुख्यात है, एक बार फिर चर्चा में। पुलिस ने बिहारी लाल सकपार और उसके पुत्र शक्ति कपूर सकपार को पकड़ने के बाद उनके घर की तलाशी ली, जिसमें तमंचे और उन्हें बनाने वाले उपकरण जब्त किए गए। चंबल अंचल में यह कोई नई बात नहीं है कि ऐसी वीडियो सामने आते हैं, लेकिन हथियारों को साफ करते हुए वीडियो का वायरल होना पहली बार देखा गया है। इससे पहले अक्सर अवैध हथियारों के कारोबारियों या फायरिंग के वीडियो ही वायरल होते थे। मुरैना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वीडियो की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। हालांकि संबंधित थाना पुलिस और SDPO ने बताया कि चंबल किनारे होने के कारण घटना स्थल पर पहुंचने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हथियार और उन्हें बनाने वाले उपकरणों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि इस तरह की घटनाओं पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।